विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर में बुटीका की चैप्टर के बारे में कुछ बातें की थी, जिनके लेखक हैं प्रेमचंद जी। उनके भी परिचय को हमने अच्छे से पढ़ा था, समझा था कि प्रेमचंद जी ने क्या क्या लिखा है और किस भावना से लिखा है। बुटीका की जो चैप्टर है वो एक वृद्ध महिला के बारे में लिखा हुआ चैप्टर है, जिसकी सारी दौलत जो है उसके भतीजे बुद्धिराम ने अपने नाम लिखवा दी थी। उस भतीजे की जो बीवी थी वो भी उस काकी के साथ अपना व्यवहार अच्छा नहीं रखती थी। किस तरह से उसके परिवार में उसी की हालत बहुत ही खस्ता हो गई थी। इस तरह से हमने देखा था कि वो खाने पीने के लिए भी मोहताज हो चुकी थी। उसके बाद ये देखा कि मुखराम का जब तिलक है और सारे घर में भोजन की व्यवस्था हो रही है, अच्छे खाने की व्यवस्था हुई है, उस समय यहाँ पर किस तरह से बुढ़ी काकी के साथ सब लोग जो हैं घर के कैसा व्यवहार कर रहे हैं, और सबसे प्यारी जो हैं, सबसे छोटी लाडली जो हैं, उसको भी ये पता चल रहा है कि इन लोगों को क्यों इस तरह से इनके साथ करना है। जब खाने की बात आती है तो थोड़ा कुछ दे भी दोगे तो क्या होता है। रूपा जब नींद में सो रही है तब लाडली बुढ़ी काकी के पास जाती है अपने हिस्से की कुछ पूरियां लेकर। उसके बाद अब आगे हम चैप्टर देखते हैं कि चैप्टर में आगे क्या दिया हुआ है और क्या समझाना चाहते हैं। जब लाडली ने काकी को पूरियां दी तब काकी ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी पूरियों पर टूट पड़ी, 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह इन थोड़ी पूरियों ने काकी के सुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें कुछ खुरचर गिरे थे, उन्हें निकालकर वे खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी, हृदय महसूस रहा था कि और पूरियां कैसे पाऊं। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया, उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़ कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सके, उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पतलों के पास बैठा दिया। काकी पतलों से पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचोरियां कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पतल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। बुढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिया थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली, उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चौकी चारपाई के इधर उधर देखने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पतलों के पास चुपचाप खड़ी है और बुढ़ी काकी पतलों पर से पूरियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सुन्न हो गया।
यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया, शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा की ओर स्वार्थ परता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में सारा भोजन सजा कर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। उसने कंठावृद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा ने प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दें। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दें। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयां पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है। बुढ़ी काकी सब भुला कर बैठी हुई खाना खा रही थी। उसने एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। यहाँ पर रूपा को अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था और वो ये सोच रही थी कि जिसकी संपत्ति से मुझे वार्षिक हर महीने जो है 200 रुपए की आय हो रही है, उसी ही काकी का मैंने ये हाल कर दिया है, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। भगवान भी कहता है कि कल का भूला अगर आज वापस आ जाता है तो उसे भी माफ़ कर देना चाहिए। रूपा जो है वो काकी को बोलती है कि मेरा अपराध क्षमा करो और आप भगवान से प्रार्थना करो कि वो भी मुझे क्षमा कर दें। देखा बूढ़ी काकी का चैप्टर प्रेमचंद जी ने कितना हृदय को कंपा देता है और कितना अच्छे स्वर में लिखा हुआ है कि एक एक बात जैसे वास्तविक घटना पर आधारित हो, ऐसा ही प्रतीत होता है कि ऐसा भी हो सकता है वर्तमान युग में। शायद हर एक घर में ऐसा होता भी होगा। प्रेमचंद जी ने भी ये कुछ ऐसे दृश्य जो हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत किए हुए हैं। उसके बाद आपको ये शब्दार्थ जो हैं वो अपनी नोटबुक में लिखने हैं, मुहावरे जो हैं वो अपनी नोटबुक में लिखना है, MCQ देखिए आप, इसमें MCQ दिए हुए हैं। जैसे बूढ़ी काकी के भतीजे का नाम क्या था, आपको पता ही है कि क्या था, आप उस पर टिक करोगे, आंसर वही होगा। रूपा किसकी पत्नी थी, आपको पता है रूपा किसकी पत्नी थी, वैसे ही। किसने अपने हिस्से की पूरियां काकी के लिए बचा कर रखी थी, लाडली ने। बूढ़ी काकी को पतलों पर से जूठी पूरी के टुकड़े खाता देख कौन सन्न रह गया, रूपा। इस तरह से आपको ये MCQ जो है वो भी लिख देने हैं। शब्दार्थ, मुहावरे और इसका पूरा स्वाध्याय आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।